नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अपनी आप मैथमेटिकल इक्वेशन को गूगल फॉर्म में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसमें मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, मैथकास्ट। बहुत से लोगों का बहुत प्यार आ रहा है उस वीडियो में, और बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी कोई एक वीडियो बनाई जाए। तो मैंने क्यों सोचा क्यों ना एक वीडियो इसके ऊपर भी बना दी जाए। तो मैंने आज की मेरी वीडियो इसी पे है कि मैंने इस सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है, इसके ऊपर मैंने आपके लिए एक वीडियो बना के लेके आया हूँ। उसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन इसके साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और देखने के लिए देखते हैं। तो गाइज, जब आप मैथकास्ट को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी वेलकम स्क्रीन खुल जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैथकास्ट जस्ट एक ओपन सोर्स इक्वेशन एडिटर है। यहाँ पर आप अपनी मैथमेटिकल इक्वेशंस बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और ये इक्वेशन बनाने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, यूज़ कर सकते हैं पावर पॉइंट वर्ड में, या अपनी ईमेल्स में इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं गूगल फॉर्म में भी। तो आज हम जानेंगे कि ये मैथकास्ट क्या चीज़ है, और इसके बारे में सारे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है टू द एडिट स्क्रीन। अगर आपने कोई स्क्रीन को पहले से यूज़ कर रहे हो तो उसको एडिट करने के लिए आप इसको ऑप्शन करेंगे, यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यू इक्वेशन लिस्ट। अगर आप कोई न्यू इक्वेशन क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। नेक्स्ट ओपन इक्वेशन लिस्ट। अगर आपके पास कोई इक्वेशंस आपने पहले से क्रिएट की हैं, उसको सेव किया है, तो यहाँ से आप ओपन करके उस इक्वेशन को दोबारा से इंसर्ट कर सकते हो, फाइल को ओपन कर सकते हो। उसके बाद डाउनलोड इक्वेशन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करने जा रहे हैं, हेल्प, वेबसाइट्स, सेटिंग और एग्जिट से हम बाहर आ जाएंगे। तो मैं पहले न्यू इक्वेशन लिस्ट पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो हमारे पास 6 लोगो दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास कट, कॉपी, फिर हमारे पास है पेस्ट, डिलीट, मूव ऑन। अगर आप अपनी इक्वेशन को ऊपर लेके जाना चाहते हो तो मूव ऑन यूज़ करेंगे, और अगर नीचे लेके जाना चाहते हो तो मूव डाउन, और इंसर्ट इक्वेशन, और यहाँ पर ऐड इक्वेशन। तो आपने जस्ट ऐड इक्वेशन पे क्लिक करना है, तो आपके पास बॉटम में कुछ इस तरह का इक्वेशन एडिटर खुल जाएगा, जहाँ पर आपने अपनी इक्वेशन क्रिएट करनी है, बनानी है। लेकिन उसके लिए आपको मैथमेटिकल कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, आप इनकी हेल्प से अपनी किसी भी तरह की इक्वेशंस बना सकते हो, जहाँ पर आप कोई भी इक्वेशन, मैथ की कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। तो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा इक्वेशन कैसे बनानी, और इस सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको सारा बताऊंगा। तो जैसे कि इस एडिटर में मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ, जैसे मैंने 2x + 5 = मैंने 8 लिखा है। तो ये देख सकते हो आपके मेरी एक इक्वेशन यहाँ पर बन गई है। तो इस इक्वेशन के साथ हम चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फाइल है, फाइल में हम न्यू, अगर हमने कोई न्यू इक्वेशन बनानी है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे ओपन, अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग इक्वेशन है या कोई फाइल है, उसको हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डाउनलोड। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ एंटर URL टू डाउनलोड फ्रॉम खुल जाएगा ब्राउज़, जहाँ पर हमारा ब्राउज़र खुलेगा, ऑनलाइन हम अपनी इक्वेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मोज़िला का फायरफॉक्स ब्राउज़र ही यूज़ करना होगा, क्योंकि मैथकास्ट उसी को सपोर्ट करता है। तो आप अपनी इक्वेशन यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेव। अगर आप इक्वेशन को सेव करना चाहते हैं या सेव एज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इंसर्ट फाइल, इंसर्ट फाइल, जैसे अगर आपका कोई फाइल पहले से कंप्यूटर में है तो, या PC या लैपटॉप में है, तो आप उसको भी अपने यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट करनी है, मैंने एक फाइल पहले से बनाई हुई है, माई फाइल। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो जो भी सी इक्वेशंस है वो पहले से ही आ गई। तो आप देख सकते हैं जो मेरी इक्वेशन 2x + 5 = 8 है, ये नीचे आ गई, और जो मैंने नई इक्वेशंस ऐड की हैं जो कि मैंने पहले से बनाई थी, वो ऊपर आ गई है। उसके बाद आ जाता है डिलीट। अगर आप कुछ इक्वेशंस को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे ये इक्वेशन है 2x + 3, इसको आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। मूव ऑन, मूव अप का मतलब क्या है, अगर आपने इस इक्वेशन को मूव डाउन लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, तो आप इस मूव डाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास 2x + 5 है, 8, इसको मैं मूव अप करने जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने ये इक्वेशंस पहले से एडिट किए हैं तो मैं इसको पहले से हटा दूँ, तो मेरे पास मैं एक इक्वेशन हो
तो मैं एक इक्वेशन और क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मेरे पास 2x क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 5। अब मेरे पास दो इक्वेशंस है, अगर मैं 2x इक्वल टू 8 माइनस 5 को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो मैं मूव अप करूँगा, अगर मैं इसको नीचे लेके जाना चाहता हूँ तो मूव डाउन करूँगा। तो आप देख सकते हो इक्वेशन ऊपर नीचे हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंसर्ट इक्वेशन। तो इंसर्ट इक्वेशन में आप क्या करोगे, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपेंड फाइल। अपेंड फाइल का मतलब भी वही है, अगर आप कोई दो इक्वेशंस को साथ में लेना चाहते हो तो सेम वही प्रोसीजर है जो कि आप इंसर्ट, जैसा कि आप इंसर्ट फाइल में कर चुके हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्राउजर स्क्रीन। तो आप अगर ब्राउजर स्क्रीन करोगे तो आपका सीधा जो प्रोसेस है इंटरनेट के साथ जुड़ जाएगा, आपकी स्क्रीन इंटरनेट के साथ जुड़ जाएगी, लेकिन मेरे पास अभी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो मैं दोबारा से वहीं स्क्रीन पे आ जाता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास है वेलकम स्क्रीन। अगर आप वेलकम स्क्रीन करोगे तो आप वही फर्स्ट वेलकम स्क्रीन पे आ जाओगे। तो मैं यहाँ पे एडिट स्क्रीन पे करूँगा क्योंकि मैंने उसी स्क्रीन पे दोबारा जाना है, तो मैं एडिट स्क्रीन पे गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रीव्यू मैथ कास्टिंग। तो आपने जो भी इक्वेशंस जहाँ पे क्रिएट करोगे उसका प्रीव्यू आप देख सकते हो, जैसे आप देख सकते हो ये प्रीव्यू आया है और ये एक लाइन में आया है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये लाइन में आ रहा है और अगर सेंटर में आना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिट। एडिट में हम अंडू कर सकते हैं। अंडू का मतलब अगर हमने कुछ भी चेंजेस कर दिए हैं तो उसको हम दोबारा से अंडू करना चाहते हैं, और या रीडू करना चाहते हैं तो रीडू भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो इक्वेशंस वही अपनी जगह पे आ गई। कट कॉपी पेस्ट, ये आप सब जानते हो, बाहर अभी मैंने बताया आपको कि बाहर जो लोग हैं वही प्रोसेस करेंगे। अगर आप इक्वेशंस को सेलेक्ट करना चाहते हो सभी इक्वेशंस को तो ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, अगर अनसेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे अनसेलेक्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास है फर्स्ट डाटा फॉर्मेट। अगर आप अपनी जो इक्वेशंस है उसको सेव करना चाहते हो तो किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया इमेज और मैथ एमएल, उसके बाद ऑफिस इमेज, ओपन ऑफिस इमेज। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन जो हमारे पास दिए गए हैं वो इमेज के हैं। तो आपने यहाँ पर अगर अपनी इक्वेशन को एज एन इमेज सेव करना है तो आपने इमेज पे ही क्लिक करके रखना है। और जो सेकंड वाले ऑप्शन है जैसे ऑफिस इमेज या ओपन ऑफिस इमेज, ये आप तब यूज़ करेंगे जब आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो वो 2003 से नीचे या 2003 वाला है तो उसके लिए आपने ऑफिस इमेज को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप लेटेस्ट यूज़ कर रहे हो या 2007 वाला भी यूज़ कर रहे हो तो आपको इमेज पे ही रखना है। और उसके बाद अगर मैथ एमएल है जो अगर आप इमेज में सेव नहीं करना चाहते, अगर आप उसको टेक्स्ट में ही सेव करना चाहते हो इक्वेशन को, तो आप इसको मैथ एमएल में ही रखोगे। तो उसके लिए अब थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसी को समझने के लिए। जैसे कि मैंने पहले इमेज सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने सेव कर लिया, तो मेरे पास जो ये दो इक्वेशंस है वो इमेज में सेव होंगी। मैं यहाँ से सीधा डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पर मैंने इक्वेशंस को कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ से एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको पेस्ट करूँगा तो मेरी जो इक्वेशन थी वो एज एन इमेज ही आ गई। आप देख सकते हो इसको मैं बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। और अगर यही मैं इमेज की बजाय सेटिंग्स में जाके अगर मैं इसको मैथ एमएल में सेव कर लेता हूँ और मैं अब कोई इक्वेशन क्रिएट करूँगा, जैसे कि मेरे पास अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की इज इक्वल टू 3 आ गया, 3/2। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेम मैं अब मैथ एमएल में मैंने इसको सेव किया था, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये इक्वेशन पहले हमारे पास क्या थी, इमेज में थी, अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, टेक्स्ट की फॉर्म में आ गई है। तो अगर आप अपनी इक्वेशन को इमेज में रखना चाहते हैं तो आप इमेज में रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप टेक्स्ट में भी सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये दोनों ऑप्शन का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग में क्या है, करेक्टर कन्वेंशन में हमारे पास हैक्स नेम्ड और यूनिकोड आ जाते हैं जो कि हम मैथ एमएल के लिए यूज़ करते हैं। और डिस्प्ले टाइप में हमारे पास दो टाइप की डिस्प्ले आ जाती हैं, जैसे कि ब्लॉक और इनलाइन। ब्लॉक हम अगर इक्वेशन को पेज के सेंटर पे यूज़ करना चाहते हैं तो ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, अगर इक्वेशन को हम इनलाइन में लिखना चाहते हैं तो हम इनलाइन यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए
मैं इसको फिलहाल सभी इक्वेशंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सभी इक्वेशन को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, यहाँ पर भी हमें दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनलाइन ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया। तो अब मैं अगर इसका प्रीव्यू देखूंगा तो ये सारी इक्वेशन सेंटर में दिखाई देंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर है। अगर इसी इक्वेशंस को मैं अब इनलाइन में सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये सारी इक्वेशन का अगर मैं प्रीव्यू देखना चाहता हूँ तो ये एक इनलाइन में आप देख सकते हो सारी इक्वेशन लाइन में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सेटिंग में, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट साइज और स्पेस साइज है। फॉन्ट साइज हमारे पास 0.5 से लेके 3 तक है। आप अपना कोई भी फॉन्ट साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हैं इसी तरह स्पेस साइज भी 0.5 से 3 तक है। और अगर आप इक्वेशन के टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, ब्लैक से लेकर रेड तक, ये सारे कलर आप चेंज कर सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर भी सेम इसी तरह मिल जाते हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे मैंने इस इक्वेशन को चेंज करना है, आप सेटिंग से भी कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर इक्वेशन का कलर भी जैसे चेंज करना चाहती हूँ, मान लो इसका इक्वेशन का कलर मैं मरून करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरा कलर इसका मरून हो गया। तो हम थोड़ा सा कलर डिफरेंट चूज़ कर लेता हूँ, मैं जैसे ग्रीन चूज़ कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका कलर ग्रीन हो गया। इसी तरह अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर ब्लू हो गया इस इक्वेशन का। और नेक्स्ट मैं इसका अगर साइज़ बड़ा छोटा करना चाहता हूँ, मैंने 0.5 कर दिया तो ये बहुत छोटा हो गया। इसी तरह अगर मैं इसका साइज़ मैक्सिमम कर देता हूँ 3.0 तो ये बड़ा हो गया। अब मैं इसके थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर दिया मैंने। तो इस तरह आप अपने इक्वेशंस का जो चेंजेस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो इक्वेशंस को, या फिर आप उसके कलर में चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास इन इक्वेशंस को हमने सेव कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज, या सॉरी एक्सपोर्ट इक्वेशन लिखा हुआ है, आप इसकी हेल्प से अपनी इक्वेशन को सेव कर सकते हैं। तो आपके पास फाइल का भी सेव का ऑप्शन आया, लेकिन अगर आप यहाँ से सेव करोगे तो आपके पास पूरा प्रोजेक्ट सेव होगा और इक्वेशन सेव नहीं होगी। तो अगर आप अकेली इक्वेशंस को सेव करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप जहाँ पर एक्सपोर्ट इक्वेशंस पे जाओगे, तो यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सेव एज टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे चार ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला है BMP इमेज फाइल, सेकंड है मैथ ML इक्वेशंस, उसके बाद PNG इमेज फाइल और EMF इक्वेशन फाइल। तो इन चारों के फॉर्मेट का मतलब अलग अलग है, मैं चारों फॉर्मेट में इस इक्वेशन को सेव करूंगा। तो चलिए इस इक्वेशन को हम चारों फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं। पहले मैं BMP में सेव करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं BMP लिख लेता हूँ फाइल का नाम। इसी तरह इसी इक्वेशन को हम दोबारा से सेव करेंगे, लेकिन मैं फॉर्मेट चेंज करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैथ ML कर लिया। सेम इसी इक्वेशन को हम दोबारा से करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं सेव कर लेता हूँ PNG। तो यहाँ पर मैं नाम PNG रख देता हूँ। और फिर से दोबारा अगर मैं इसको सेव करूँगा EMF में, तो यहाँ पर मैं नाम इसका EMF सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने सारी फाइल्स डेस्कटॉप में सेव की हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी इक्वेशंस आ गई हैं। तो पहले BMP को खोल लेते हैं, ये आप देख सकते हैं मैं BMP में सेव किया था, तो ये इमेज की फॉर्म में आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो इक्वेशन है हमारे पास वो मैथ इक्वेशन में है। अगर आप इसको, ये ऐसे खुलेगी नहीं फाइल, क्योंकि ये मैथ कास्ट की फाइल है, तो मैथ कास्ट में ही खुलेगी। जो मैंने PNG में सेव की है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर PNG इमेज आ गई है। इसको आप गूगल फॉर्म में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो EMF में मैंने फाइल सेव की है उसको आप खोलोगे तो डायरेक्ट ये फाइल पेंट में ओपन होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पेंट खुल गया है, और वही इक्वेशन जो हमारे पास थी वो पेंट में खुल गई है। इस पे आप पेंट में कुछ भी यूज़ कर सकते हो इस इक्वेशन में। तो इस तरह आप ये चारों फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में आप अपनी इक्वेशन को सेव कर सकते हो। तो गाइस अब तक हमने देखा कि मैथकास्ट को हम कैसे चला सकते हैं, कैसे इसमें इक्वेशन बना सकते हैं, और इसमें सेव कैसे फाइल्स कर सकते हैं, लेकिन हम हर तरह की इक्वेशन यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही आप इस पर एडिटर पर जाएंगे, आप नीचे दिए गए सिम्बल्स को तो यूज़ कर ही सकते हैं। आप यहाँ पर जो मैथ लिखा है, आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके
पास यहाँ हर तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ऑप्शन जैसे अर्थमेटिक है, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्रॉस डिवीज़न, यहाँ पर हर तरह का सिंबल दिया गया है जो आप यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इक्वल साइन, हर तरह का इक्वल साइन, इक्विलेंट, नॉट इक्विलेंट, ज्योमेट्रिकल साइन, डिफरेंट, बिटवीन, ये सारे तरह के साइन आप देख सकते हो, यहाँ पर हर तरह का सिंबल आपको मिल जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन के जो भी सिंबल आपको चाहिए, नोट लेस देन, नोट ग्रेटर देन, ये सारे सिंबल आपको मिलेंगे। पावर एंड रूट्स में आपके पास इनवर्स पावर, पावर, स्क्वायर रूट, ये सब मिल जाएगा। अलजेब्रा में आपको फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, समेशन, प्रोडक्ट, लॉग। इसी तरह ज्योमेट्री में आपके पास राइट एंगल, ट्राइंगल की फॉर्म में मिल जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर अलजेब्रा। और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपके पास मेकअप में आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट बोल्ड, आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारा कैसे आप सभी सिंबल्स को आप जो भी चाहते हो अपनी इक्वेशन में, आपको सारा सभी कुछ इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल मिलेगा। अब बात आती है कि इन सभी को यूज़ कैसे करना है। आप सिंबल तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपने इसको यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए आपने घबराना नहीं है, आपने जस्ट हेल्प में जाना है। हेल्प में जाने के बाद आपने यहाँ पर यूजिंग मैथ कास्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने रैपिड मैथ लाइन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास कैसे इस इक्वेशंस को यूज़ करना है, यहाँ पे आपने सिंटेक्स दिया हुआ है, जैसे आपने लिखोगे और उसका रिजल्ट, रेंडरिंग रिजल्ट कैसे आता है वो आप देख सकते हो। जैसे आपने समेशन यूज़ करना है तो आपने समेशन की इक्वेशन इस तरह लिखनी है, अगर आपने इंटीग्रेशन लिखना है तो इंटीग्रेशन की फॉर्म इसी तरह लिखनी है। और आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर नीचे करोगे तो आपके पास बाकी फंक्शन भी आपने कैसे यूज़ करने हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, यहाँ पर सिंटेक्स दिया गया है और यहाँ पर आप उसका रिजल्ट देख सकते हो कि अगर आप टेक्स्ट ये ऐसे लिख रहे हो तो उसका रिजल्ट इस तरह आएगा। इसी तरह आप नीचे जाओगे तो हर तरह का आपको मिल जाएगा, मॉडुलस कैसे यूज करना है, अंडर रूट कैसे यूज करना है, या फिर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में कोई सम इक्वेशन बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। तो इस तरह आप इस सॉफ्टवेयर को इजीली मैथमेटिक फॉर्म, मैथमेटिक इक्वेशन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। और इन इक्वेशंस को आप गूगल फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट या वर्ल्ड में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने ईमेल में भी अगर यूज़ करना चाहते हो तो इन इक्वेशन को डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो गाइज़, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आप अब मैथकास्ट को अच्छे से चला सकते हैं। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है जो नहीं क्लियर हुआ है तो आप प्लीज़ अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें।